नोएडा का ट्विन टावर गिरा दिया गया, उसके बाद से सबके मन में एक सवाल है कि आखिरकार नोएडा के ट्विन टावर वाली जमीन पर अब क्या बनेगा, मतलब वहाँ किस तरीके का निर्माण होना है, क्या वहाँ एक बार फिर से किसी तरीके का कोई टावर खड़ा किया जाएगा या फिर कुछ और। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के RWA के अध्यक्ष उदय भान सिंह तेवतिया ने कहा कि ट्विन टावर वाली जगह पर बच्चों के लिए खेल का मैदान बनेगा, इसके अलावा एक ग्रीन पार्क भी होगा, साथ ही सोसाइटी के लोगों की मदद से एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी। इसके लिए RWA हफ्ता भर में मीटिंग करने जा रही है, सभी सदस्यों की सहमति पर फैसले को अमली जामा पहना दिया जाएगा। जरा ट्विन टावर की जमीन का वर्ग मीटर समझ लीजिए, इसका जो एरिया है वो है 75,000 वर्ग मीटर। जानकारी कहती है कि यह जमीन बिल्डर ने अभी सोसाइटी को हैंडओवर नहीं की है, इस पर मालिकाना हक अभी बिल्डर का ही है, लेकिन अगर बिल्डर कोई निर्माण इस जमीन पर कराना चाहेगा तो उसके लिए उसे 2/3 सोसाइटी के निवासियों से सहमति लेनी होगी। उधर RWA के पदाधिकारियों का कहना है कि सोसाइटी के लोग उनके पक्ष में हैं। अगर कोई भी कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो इसमें पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर पहले से तय पार्क बनेगा, साथ ही मंदिर भी। ट्विन टावर निर्माण के लिए करीब 25 करोड़ रुपए से फ्लोर एरिया रेशियो बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी से खरीदा था। अब ट्विन टावर ढह गए हैं, इसलिए फ्लोर एरिया रेशियो का उपयोग ही नहीं हुआ है। अब RWA की मांग है कि IFMS फंड का पैसा बिल्डर से वापस दिलवाया जाए। ट्विन टावर खड़ा करवाने में हुए भ्रष्टाचार में नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन 24 अधिकारी आरोपी हैं, इनमें CEO, SCO से लेकर प्लांटिंग असिस्टेंट तक के नाम हैं। ट्विन टावर अब ढह चुके हैं, लेकिन इन आरोपी अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई कागजी रही है, इसको लेकर सोसाइटी के निवासियों में भी कसक है। दरअसल अथॉरिटी अधिकारियों के मुताबिक ये जमीन बिल्डर ने अभी सोसाइटी को हैंडओवर नहीं की थी, इस पर मालिकाना हक भी अभी बिल्डर का है, लेकिन बिल्डर अगर कोई निर्माण करवाना चाहेगा तो उसकी सहमति पूरी सोसाइटी के 2/3 निवासियों से लेनी होगी। यानी कुल मिलाकर कहें तो अभी मामला पेचीदा है, लेकिन फिर भी ट्विन टावर की जमीन पर एक छोटा सा ग्रीन पार्क, छोटे बच्चों के लिए खेलने का मैदान और एक मंदिर बनाने की योजना है, जिसके लिए जल्द ही बैठक करके पूरी सोसाइटी के निवासियों की सहमति ली जाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।